सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के गोलमार्ग घूमने निकल गए। सनराइज कितना अच्छा है। मॉर्निंग इन गोलमार्ग बहुत ठंडी है आज सुबह, समर में भी इतने का बहुत ठंडी रहता है। अराउंड 5:30 अर्ली मॉर्निंग में कैमरा लेके गुलमर्ग घूमने निकल गया। देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा। और हमारा होटल ठीक व्यू पॉइंट पे है। और ऊपर देखिए पहाड़ी पे धूप निकलना शुरू हो गया और नीचे अभी तक धूप नहीं आया। और देखिए व्यू, देखिए इधर में बहुत फिल्मों का गानों का शूटिंग इधर हुआ है। थोड़े दिन पहले इधर अरबाज खान आया था, जॉन अब्राहम आया था, वो भी हमारा जो ये होटल है होटल पार्क में ही रुका था। देखिए ऊपर में कितना अच्छा व्यू है, मस्त ऐसा लग रहा है रोशनी पहाड़ी फार के नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे देखिए अभी तक सफेद है। और इधर एक मंदिर है, इस मंदिर में भी बहुत फिल्मों का गाना हुआ, बॉबी फिल्म का गाना भी इस मंदिर में ही हुआ था। तो चलिए इस मंदिर की तरफ जाते हैं। और इस साइड से देखिए पूरा गुलमर्ग दिखता है। इस मंदिर का स्पेशलिटी ये है, ये मंदिर छोटा है लेकिन ये मंदिर एकदम बीच में गोलमार्ग के टाउन के सेंटर में है। और ये मंदिर एकदम व्यू पॉइंट में है, कितना अच्छा लगता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। इस मंदिर का नाम है महारानी जी टेंपल गोलमार्ग। ये पूरा जम्मू कश्मीर मैनेजमेंट ट्रस्ट के अंडर में है। मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया इसलिए मंदिर अभी बंद है। और मेरे पीछे से व्यू देखिए, पीछे कितना अच्छा व्यू आता है, मस्त होल गुलमार्ग टाउन दिख रहा है। मंदिर का पीछे का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्लीन वेदर है, एकदम शांत पीस ऑफ माइंड। अभी धीरे धीरे नीचे धूप आना स्टार्ट हो गया। बस व्यू के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत ही अच्छा व्यू है, सब पैसे इस व्यू के ही। वाओ ऑसम, सब पैसे इस व्यू के। बीच बीच का ये होटल है, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सब है। कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो इधर ही रहता है, सब लोगों का फोटो और ऑटोग्राफ है इस होटल के सामने। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो इतने अच्छे व्यू पे हम लोग चाय पी रहे हैं, मजा ही आ गया। अभी हम लोग का टिफिन हो गया, अभी हम लोग गोलमार्ग घूमने निकल गए। हम लोग अभी इस एटीए बाइक से जाएंगे राइट पे 30 किलोमीटर्स और फुल गोलमार्ग घूमेंगे। आप कलकत्ता से? कलकत्ता से पहली बार आए? हाँ। आप जा रहे हैं? हम लोग राइट के लिए जा रहे हैं, पूरा गोलमार्ग का 30 किलोमीटर राइट, उसके बाद गंडोला और उसके बाद फेस बनता जाएंगे। अच्छा ये सामने जो कॉटेज दिख रहा है ये वीआईपी हट है, यहाँ का सीएम जब इधर आते हैं तो इधर ही रहते हैं। आउट ऑफ सर्कल रेंट पे देता है क्या? हाँ।
जैसा लग रहा है जन्नत आ गया। कश्मीर वैली ये वाला जो है ना पूरा कश्मीर वैली है। अच्छा तो पहले तो हम लोग उस साइड में तो पहलगाम तो दूसरी साइड से हाँ पहलगाम से वो कश्मीर वैली दिखता था जी सर। ये गुलमर्ग से दिखता है ना गुलमर्ग से दिखता है। अच्छा अभी हम लोग गंडोला जा रहे हैं। देखिए इधर में कितना टूरिस्ट है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। अभी हम लोग गंडोला केबिन करके काउंटर की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो गाइड था उन्होंने टिकट अरेंज करके रखा था, इसलिए हम लोग को जाके लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा था, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। ये है केबिन कार, अभी हम लोग केबिन कार में बैठने वाले हैं। अब्रो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सर लाइए। हां रुपए केबिन का। हां ये तीन नाम है इसके। हां बाबा देखो कितना मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है। देखो अच्छा गंडोला केबिन कार में बैठे बहुत मजा रहा है। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है। नहीं लगता है, बंगाली लोग कम डरता है। ठीक है जा रहे हैं। ये है हमारा गाइड। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका नाम? असलम भाई। आप इधर में कितने साल से काम कर रहे हैं? 35 इयर्स। वाओ 35 इयर्स। और घर के आपके इधर में है? जी हां, टेक ऑफ द गुलमर्ग इज अ विलेज ऑफ टंगमर्ग। टंगमर्ग? यस टंगमर्ग। कैसा लगा आपको मेरे साथ? हां बहुत अच्छा गाइस, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं लगता है, मूड बनाया है। अच्छा भी लगता है, डर भी लगता है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, बस हम लोग जा रहे हैं अभी। ऐसा मत बोलो बेटा, यहाँ फिर भी लुक रहे थे ये आंटी। कैसे? 3 महीने के लिए होते हैं। अच्छा बस ये 3 महीने खत्म हो जाएंगे ना। हाँ। बस अब स्नोफॉल हो जाएगा, नीचे विलेज में उतर जाएगा।
रूफोए में फर्स्ट फेज का चार्ज है 740 एंड सेकेंड फेज का चार्ज है 950 रुपीज। मेरा वाइफ थोड़ा डर रही है लेकिन हीरो बेटा शेर है, कोई इशू नहीं है, बस अभी हम लोग गंडोला फर्स्ट फेज में आ गए। हम सिर्फ इधर में फर्स्ट फेज तक आ पाए क्योंकि हम लोगों का लेट हो गया और इधर से सेकंड फेज होता है, हम लोग उसका काउंटर टिकट अभी बंद हो गया, हम लोग उधर नहीं जा पाए। हम सिर्फ फर्स्ट फेज तक है। देखिए रूपए बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग जा रहे हैं इधर, थोड़ा टिफिन करेंगे, कुछ खाया नहीं, बहुत थक गया, मैं भी थक गया हूँ और देखो मेरा वाइफ बच्चा सब थक गया, लेकिन आते में फ्रेश हवा मिलता है, इतना सुंदर वादी है, मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है ऊपर में एक घर बना लूँ, बना के उधर ही रह लो, बना लो, बना लो। फ्रेश मिलता है, फ्रेश एयर, फ्रेश पानी, फ्रेश खाना, सब फ्रेश खाना, ठंडा पानी। साथ ही इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं, 10,050 फीट पे खड़े हैं और मेरी सिस्टर आ रही है, हम इस वक्त 10,500 फीट ऊपर है। वेलकम टू कंगडोर। अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए, देखते हैं मेनू कार्ड पे खाने के लिए क्या क्या है। कैसा टेस्टी है? हाँ, ये है कश्मीरी पुलाव, पनीर बटर मसाला, हम लोग अभी रूप से जा रहे हैं, हमारा खाना पीना हो गया और हमारा गाइड सर बहुत अच्छी तरह से हम लोग घुमाया। ओके सर, सर मजा आया? हाँ मजा आया, टाइम में तो नहीं है क्या बोलूं, टाइम ही नहीं, बस जितने में हुआ बहुत अच्छा हुआ, बस अब हम रूपए में उठेंगे, नीचे जा रहे हैं। हाँ, नीचे जा रहे हैं और नेक्स्ट साल जाएंगे फेज टू में। देखिए रूपए का कितना व्यू अच्छा है, अब हम उठ के जाएंगे, बस रूपए में हमें उठने बने। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, कॉन्डोर से गोलमार्ग जा रहे हैं। हम इधर घूम लिया, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं गोलमार्ग। आप नहीं आ रहे? डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, कलकत्ता वाले ज्यादा बोलते हैं डर लगता है, मुझे डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू, बहुत ही अच्छा है, ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम हसीन वादी है।
अभी हम लोग ATA राइड से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करने वाले हैं। बाय बाय।